हरपाल पटाडा मित्र मंडल की ओर से अष्ट नगर मंडल अध्यक्ष पूजनीय पंडित अतुल शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर, किस प्रकार से शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया, इसका नजारा नचिकेता स्कूल में उस वक्त देखने को मिला जब एक 9वीं क्लास की छात्रा को एग्जाम में इसलिए बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उसके परिजन समय पर फीस जमा नहीं कर पाए। वहीं इसकी सूचना छात्रा ने अपने परिजनों को दी। वहीं जब स्कूल में छात्रा के पिता पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि वह 27 फरवरी को फीस जमा कर देंगे, उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने पीड़ित पिता की गुहार नहीं सुनी और छात्रा को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। वहीं जब इस बात की सूचना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह स्कूल पहुंच गए और स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की गई। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा स्कूल में हो रहे लगभग 2 घंटे से हंगामे को शांत कराया गया। वहीं छात्रा के परिजन और स्कूल प्रबंधन के बीच फीस को लेकर जो विवाद हुआ उसका समाधान निकलवाते हुए पुलिस ने छात्रा को एग्जाम देने के लिए बैठवाया, तब जाकर हंगामा जाकर शांत हुआ। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। वजह थी जो यहाँ हंगामा हो रहा, क्या फीस को लेकर क्या इशू थे आपसे? सर, मतलब मेरे फादर का सीजनल बिजनेस है, तो उनका मतलब हम लोग ने बोला था कि हम लोग 3 महीने तक कर देते हैं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप पूरी करो, तो पापा ने हम लोग ने एप्लीकेशन दिया कि 27 तक हम लोग 6 महीने के कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम लोग को थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो उनने पहले बोला हाँ ठीक है, और जब हम लोग 3 महीने के फीस देने गए थे तो उनने ली नहीं थी, फिर उन्होंने मना कर दिया। मतलब उनको एक ही दिन पे पूरे साल भर की फीस चाहिए, तो अब सीजनल बिजनेस में इतना तो नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम तो हम लोग को चाहिए है। और 12 बजे से अभी बज रहे 4:15 समथिंग, 12 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पूरा ग्रुप है, हम लोग को ना अंदर आने दिया है, ना प्रिंसिपल डायरेक्टर किसी से हम लोग को मिलवाया गया है। और हाँ, आज पेपर था हम लोग का कंप्यूटर का, नहीं दिया। 4 बज गया, पेपर खत्म हो गया, सारे बच्चे चले गए। और मैंने हर साल लेट फीस की, लेकिन लेट फीस अनन्या मिश्रा। कौन सी क्लास में? 9C। क्या जानकारी मिली थी आपको और किस वजह से आप यहाँ आए? आज हमें लगभग 12:30 बजे जानकारी मिलती है कि नचिकेता हाई सेकेंडरी स्कूल नेपियर टाउन ब्रांच में एक 9वीं क्लास की छात्रा को एग्ज़ाम से वंचित रखा जा रहा था। उसका कारण ये मात्र था कि उसकी फीस नहीं फुल पेड हुई थी, किसी कारण वर्ष से उनके घर वाले असमर्थ थे पेड करने में फीस। तो जैसे ही हमें जानकारी लगी, हम प्रिंसिपल मैडम से बातचीत करने आए, लगभग हमें 2 घंटा गेट नहीं खोली मैम ने स्कूल प्रशासन की ओर से। उसके बाद फिर हमने प्रदर्शन चालू किया, उसके बाद प्रिंसिपल मैडम यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। ये हमारी मांग है कि छात्रों के साथ आगे से ऐसा ना किया जाए। ईश्वर सोनकर, महानगर मंत्री, विद्यार्थी परिषद। स्कूल में पढ़ने वाली एक 9वीं क्लास की छात्रा के एग्ज़ाम में बैठने के संबंध में एक आपत्ति दर्ज की गई थी उनके द्वारा, जिसमें स्कूल प्राचार्य हैं उनसे और बच्चे के पेरेंट्स के साथ में बैठकर बातचीत की गई और उसका समाधान निकाला गया है। बच्चे के पेरेंट्स ने जो बकाया फीस है वो देने के लिए बोला गया और बच्ची को एग्ज़ाम में बैठने दिया जा रहा है। कुछ विद्यार्थी परिषद द्वारा हंगामा कुछ किया गया था यहाँ पर? नहीं, उनके द्वारा कुछ 10-15 लोगों के द्वारा यहाँ पर जमा होकर वो बात उठाई गई थी और उनकी बात हमारे द्वारा स्कूल की प्राचार्य तक पहुँचाई गई है और उसका समाधान निकाला गया। पेपर कब है बच्ची? ये होम परीक्षा होती है, वो जो स्कूल प्रबंधन है वो निर्धारित करता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।